नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत अनकॉमन समस्या, जिसको कि हम बोलते हैं वेसिकुलर मोल या फिर हिंदी में गुच्छे वाली बीमारी। यह एक प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है। हम सभी को पता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, अंदर एक बच्चा बनना शुरू होता है। लेकिन इस प्रेगनेंसी में बच्चा न बन के गुच्छे गुच्छे बनने शुरू होते हैं, जिसको कि हम वेसाइकल्स या फिर एच मोल बोलते हैं, हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल। ये कुछ कुछ देखने में अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं, उतने बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हिंदी में इनको गुच्छे वाली बीमारी भी बोला जाता है। डायग्नोस कैसे होता है? जब हम नॉर्मल सोनोग्राफी 6 से 7 हफ्ते के बीच में करते हैं तो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं दिखाई देती। कुछ ऐसा दिखाई देता है कि अंदर प्रेगनेंसी के अलावा कुछ और डेवलप हो रहा है। अगर फर्स्ट सोनोग्राफी में ये कंफर्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 10 दिन बाद वापस से सोनोग्राफी रिपीट करके देखी जाती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसको डायग्नोस करने का तरीका सोनोग्राफी ही है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है इसकी वजह से? क्योंकि वो जो वेसाइकल्स बन रहे हैं, ये प्रेगनेंसी नहीं है, बच्चा इसमें नहीं बनेगा, यह एबनॉर्मल कंडीशन है। और अपने आप में जो वेसाइकल्स बन रहे हैं, वो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन, जिसको कि हम बोलते हैं HCG, वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट करता है। और जब भी HCG हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करता है, तो उसकी वजह से आपको जो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपको उल्टी बहुत ज़्यादा लगेगी, वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है कि अगर HCG हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया हो तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ना, यानी कि जिसको हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी, वो होना शुरू हो जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके साथ अटैच होती है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म, यानी कि थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि HCG हार्मोन काफ़ी कुछ सिमिलर होता है थायराइड हार्मोन के जैसा, तो इसकी वजह से वो थायराइड हार्मोन के जैसा एक्ट करने लगता है और थायराइड स्टॉर्म आ जाता है। तो इसकी वजह से आपको घबराहट होना, बार बार डायरिया होना, वेट लॉस होना भी हो सकता है। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये जब भी आपको बेहोशी दे रहे हैं उस कंडीशन के लिए। इसके अलावा अंडेदानी में बड़ी बड़ी सिस्ट बन सकती हैं, जिसको कि हम थीका ल्यूटन सिस्ट बोलते हैं, और ये अपने आप में 5 से 8 सेंटीमीटर तक की हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस पूरे टाइम, पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहेगा और आपको हो सकता है ब्लीडिंग शुरू हो जाए। जब भी ये प्रॉब्लम पता चलती है हमें, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट है कि हमें इसको इवैक्यूएट करना है, यानी कि सर्जिकली TNC करके पूरा टिश्यू निकालना है और इस टिश्यू को जांच के लिए भेजना है। जांच में हम ये देखेंगे कि यह पार्शियल मोल है, कंप्लीट मोल है या फिर कैंसर है। पार्शियल मोल मतलब कि थोड़ा सा बच्चा बन रहा है और थोड़े से गुच्छे बन रहे हैं, इसको भी आगे चल के प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा कंप्लीट मोल, यानी कि बिल्कुल भी बच्चा नहीं बन रहा है। और तीसरा कि जो हमने टिश्यू देखा, उसमें कहीं ना कहीं कैंसर की सेल्स दिखाई दी। बेसिकली हमें हिस्टोपैथोलॉजी भेजने का उद्देश्य ही कैंसर की सेल पता करना है। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती कि हमारे उसमें कैंसर सेल नहीं आई तो हम रिलैक्स हो गए। आपको अभी भी कैंसर होने की संभावना है, जिसको कि हम कोरियोकार्सिनोमा बोलते हैं। कोरियोकार्सिनोमा एक स्पेशल कार्सिनोमा है जो कि एच मोल के बाद ही बनता है। कंप्लीट मोल में, यानी कि पूरी गुच्छे वाली बीमारी में, इसके डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पार्शियल मोल में इसके डेवलप होने के चांसेस कम हैं। पता लगाने के लिए कि कैसे ये डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जब भी हम इवैक्यूएशन यानी कि DNC बेहोशी के अंदर लेते हैं तो एक एक्सरे करा के देखते हैं कि कहीं छाती में कुछ मेलिग्नेंसी तो नहीं आई है, और दूसरा एक बेसलाइन बीटा HCG वैल्यू करा के रखते हैं कि जिससे हम बाद में उसकी तुलनात्मक यानी कंपैरिजन कर सकें कि कम हो रहा है कि नहीं। जब DNC हो जाती है, अगर आपको थायराइड स्टॉर्म नहीं है तो बहुत अच्छा, अगर थायराइड स्टॉर्म है तो फिर अपने आप में एक ICU का बैकअप चाहिए होता है ऐसे केसेस में, DNC करने से पहले, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि थायराइड स्टॉर्म में आपको कुछ इंट्यूबेशन यानी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। DNC के बाद हर हफ्ते बीटा HCG, सीरम बीटा HCG करके एक ब्लड टेस्ट होता है, वो हर हफ्ते मापा जाता है। बीटा HCG की कॉस्ट 500 से 1500 के बीच में, अलग अलग लैब के बीच में वैरी करती है। इसको हम देखते हैं कि मोर देन 10% फॉल हो रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर आपका इनिशियली बीटा HCG 50,000 था जब हमने DNC की, आप एक हफ्ते बाद आए और
वो 25,000 हो गया, तो दिस इज़ गुड फॉल। 25,000 के बाद फिर हमने एक हफ्ते बाद देखा तो हमारा एम ये है कि इस बार 10% या उससे ज़्यादा कम होना चाहिए, यानी कि 2,500 तो कम होना ही होना चाहिए, 22,500 से कम वैल्यू होनी चाहिए, तो इसको हम ठीक फॉल बोलते हैं। तो इस वैल्यू को हम तब तक फॉलो करेंगे कि जब तक कि वो निगेटिव ना हो जाए, यानी कि लेस देन 5 ना हो जाए। लेस देन 5 होने के बाद हमें हर महीने 2 महीने के लिए फॉलो करना है कि बीटा एससीजी लो ही चल रहा है कि नहीं। अगर बीटा एससीजी निगेटिव है तो फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेगनेंसी। फ्यूचर प्रेगनेंसी में आपको दोबारा एच मोल होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 3 गुनी ज़्यादा है। नॉर्मल पॉपुलेशन में ये जिस 0.5% के आसपास होता है, आप में ये 3% के आसपास हो जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इस वक्त वापस से सोनोग्राफी अच्छी तरह से होगी। अब बात आती है कि ये सब तो नॉर्मल कंडीशंस हैं, कोरियोकार्सिनोमा कब डेवलप हो गया? अगर आपका बीटा एससीजी जब हम हर हफ्ते फॉलो कर रहे थे तो बढ़ना शुरू हो जाए या फिर फॉल होना बंद हो जाए, कि हमने एक वैल्यू देखी कि 1,000 थी, अगले हफ्ते वो 1,500 हो गई, उसके अगले हफ्ते 2,500 हो गई, इतना तक तो रुकना नहीं है। जैसे एक वैल्यू बढ़ी हमें तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कीमोथेरेपी रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना है। दूसरा होता है प्लेट्यू, कि 1,000 वैल्यू थी और अब 990 998 ऐसी बनी हुई है 3 वैल्यू, तो इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। ये भी अपने आप में इंडिकेशन कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी 3 से 6 साइकिल लगती हैं। कीमोथेरेपी लगने के बाद आपको प्रेगनेंसी एडवाइजेबल होती है। अगली प्रेगनेंसी में अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो जो आंवल है उसको हिस्टोपैथ डिलीवरी के बाद आंवल को हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजना आवश्यक होता है, क्योंकि पहले आप में एच मोल था, ये रूल आउट करने के लिए कि बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आती है कि स्पेशल कंडीशन, जिसको कि हम बोलते हैं ट्विन विद मोल, जुड़वा बच्चे और उसमें से एक मूल। अपने आप में ये थोड़ा सा रेयर है, लेकिन जब भी होती है तो इसको पता लगाना एक बच्चे के कंपैरिजन में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा नॉर्मल डेवलप हो रहा है, दूसरे बच्चे में गुच्छे वाली बीमारी बन रही है, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो बच्चा घुल रहा है, जो दूसरा बच्चा था वो घुल रहा है, वैनिशिंग ट्विन बोलते हैं, और वैनिशिंग ट्विन में भी ऐसी शुरुआत में गुच्छे गुच्छे बनते हैं। तो कई बार जब ट्विन विद एच मोल होता है तो यह पता लगाने में कि यह एच मोल है, दूसरा या तीसरा महीना भी प्रेगनेंसी का हो सकता है। यह मेरी पूरी जानकारी एच मोल के बारे में। अगर आपको एच मोल है तो अपने गायनोकोलॉजिस्ट के संपर्क में लगातार रहें और एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट का पता लगा के रहें। आप YouTube चैनल के माध्यम से मेरे संपर्क में बने रहें। धन्यवाद।